नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी का हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी झांसी, एसएसपी झांसी के साथ में ये पीछे कई सारे लोग खड़े हैं। दरअसल बीते दिनों बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीएससी के फिजिक्स का पेपर लीक आउट हो गया था। इस मामले का सूत्रधार कौन है और कैसे यह मामला पकड़ा गया, इसको लेकर जिलाधिकारी झांसी और एसएसपी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए पूरा प्रकरण बताया। इस मामले का सूत्रधार एक स्कूल का बाबू निकला और इसके साथ में कई सारे छात्रों समेत करीब 32 लोगों को, जिसमें छात्र भी शामिल है, गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने क्या बताया, ये हम आपको सुनाते हैं। चल रहा है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्जाम भी चल रहा है। ये जो नकल के मामले आए हैं वो बोर्ड एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि झांसी में बोर्ड एग्जाम बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और नकल विहीन चल रहा है। जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्जाम हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट ओवरऑल देखती है और जिला प्रशासन उसमें सहायता मांगने पे पुलिस फोर्स या अन्य अधिकारी उपलब्ध करवाती है, उसके बारे में 6 तारीख को पता लगा कि फिजिक्स का पेपर लीक हो गया है। तो जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेकर FIR दर्ज करवाए गए और विदिन 48 आवर्स जो 32 इसमें दोषी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। हमारे बगल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं, हमारे राइट में जो यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी उसके रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं। अभी इसमें इंक्वायरी चालू है और आगे भी जो दोषी पाए जाएंगे उनको अरेस्ट करके या जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो की जाएगी। अभी आप लोगों के द्वारा जो भी नए क्वेश्चन, नए एंगल इसमें बताए गए हैं उसका भी संज्ञान लेकर उसके बारे में भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्टूडेंट के अलावा इसमें 26 स्टूडेंट जो कि नकल करते हुए पाए गए या बाद में नकल के संबंध में उनके मोबाइल में एविडेंस मिला, उनको अरेस्ट किया गया है। बाकी 6 मैनेजमेंट कमेटी जो श्रीराम डिग्री कॉलेज है बांगरा में, उसके मैनेजमेंट कमेटी के कुछ ऑफिसर हैं, उसमें कुछ उनके 2 पार्टनर भी हैं, 1 पार्टनर अभी एब्सकॉन्डिंग है और आगे भी जो नए व्यक्ति मिलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। में उनके उड़न दस्ते के द्वारा एक युवक को पकड़ा गया चेकिंग के दौरान, जिसमें ये तथ्य निकल के आया कि उसके द्वारा नकल की जा रही थी, वो पर्ची भी बरामद हुई। लेकिन जब उससे पूछताछ करी गई तो उसमें तथ्य विशेष रूप से निकला कि ये पेपर लीक का मामला है, नकल का मामला नहीं है। तत्काल इसमें मैनेजमेंट के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। FIR के बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और विद इन 48 आवर्स में हमने जितने भी इसमें अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इसमें जिन लोगों की संलिप्तता थी, जो मुख्य अभियुक्त था जिसने फोटो खींच के ये वायरल किया था, उसको पकड़ लिया है। जिस कॉलेज से ये वायरल हुआ उनके मैनेजमेंट के साथ साथ उनके जो भी पदाधिकारी गण थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एविडेंस के आधार पर पीछे से शुरू करके आगे तक पहुंचा है, जिसमें जो हमारा नकल करने वाला बंदा था उससे शुरू करके जिसने वायरल किया है, लगभग 32 लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें 26 वो स्टूडेंट है जिनके पास हमारे एविडेंस के रूप में पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले पहुंचा, 6 लोग वो हैं जिनके द्वारा इस कृत में कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तो पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें हमारे DIG महोदय और ADG साहब के द्वारा 50,000 का इनाम हमारी टीम को दिया गया है। शेष अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाए। मुख्य आरोपी जो है वो किस पद का कर्मचारी है, किस विद्यालय का? देखिए, वो श्रीराम डिग्री कॉलेज में वो लिपिक और स्टोर कीपर के रूप में पिछले 5 साल से कार्य कर रहा है। उसने पूछताछ में ये तथ्य बताया कि जब वहाँ पर एग्जाम के लिए पेपर खोल के रखा गया था 6 बजे के आसपास, तो उसने फोटो खींचा और फोटो खींच के अपनी भतीजी को भेजा जो एग्जाम दे रही थी। फिर भतीजी के माध्यम से फोटो जो पेपर था वो आगे वायरल हुआ और बाकी लोगों के पास ही पहुंचा। क्या कॉस्ट रखी गई थी सर इसकी पेपर की? कॉस्ट के विषय में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो तथ्य निकल के आए हैं उसमें उसने बताया है जिस युवती के पास से पहली बार वायरल हुआ है कि 300 रुपये, 350 रुपये में उसने आगे
किसी दूसरी युवती को दिया, फिर दूसरी युवती से फिर किसी युवक के पास पहुंचा। अभी पुलिस इन सब तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए जो मुख्य आरोपी है उस पर जो विधिक प्रक्रिया के तहत जो धाराएं बन रही है उसमें 420 से लेकर 409 की धारा बन रही है, साथ ही साथ 66D IT Act की धारा बन रही है, 201 की भी धारा बन रही है। बाकी अभी पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। थैंक यू। किसी और छात्र की गिरफ्तारी बताया है सर? देखिए अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है। जिसका भी दोष इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी।